नमस्कार दोस्तों, आज जो क्लास है यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो टॉपिक वन है उसका सेकंड वीडियो है, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके माध्यम से हम लोग इसमें टॉपिक वन है उसको कवर करेंगे। मैं कोशिश की थी कि दो एक ही टॉपिक में दो वीडियो में सारा जो पहला वन टॉपिक है जिसमें आपका फ्रेमवर्क ऑफ एन इकोनॉमी और नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो कम्प्लीट हो जाए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, काफ़ी लंबा नोट्स बन चुका है इसका। तो कोशिश करूंगी मैं अगले दो वीडियो में, मीन्स आज का एक वीडियो और एक और वीडियो में ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग टॉपिक है मतलब राष्ट्रीय आय का लेखीकरण इसको निपटाने की कोशिश करूंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका इसमें किन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और एक जरूरी बात कि वीडियो इस तरीके से अल्टरनेट आते रहेंगे, करीब 1.5-2 महीने में कोशिश करूँगी कि मैं जो आपका बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उसको कवर कर दूँ, और पॉसिबल हो पाया तो जल्द से जल्द कवर कर दूँगी। मतलब दिसंबर खत्म होने से पहले मैं कोशिश करूँगी कि इन यहाँ आपका बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वो कम्प्लीट हो जाए। और वैसे अभ्यर्थी जो कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले रखा है और जिनको रेगुलर कम्प्लीट वीडियो चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है और जो लिंक प्रोवाइडेड है उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अपना। और सारे साथ पेमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो आपको बताई जा चुकी है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया था, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उनको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, बाकी ऐसे छुटपुट वीडियो आते रहेंगे यूट्यूब पर जो ताकि बहुत सारे लोग अभ्यर्थी हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी चाहते हैं, तो उनके लिए आपको सूचनाएँ मिलती रहेंगी। वीडियो के माध्यम से मैं इकोनॉमिक्स के बारे में संक्षिप्त थोड़ा जानकारी दे दी रहूँगी। और ये जो वीडियोस आप अभी आप देख रहे हैं जिसमें कि अगर आप आज का जो वीडियो है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में है, तो ना सिर्फ बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए बल्कि वैसे अभ्यर्थी जो कि आप लोगों ने यूपीएससी में भी ऑप्शनल ले रखा है इकोनॉमिक्स का, या फिर बी इकोनॉमिक्स एम इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ही अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, किसी को भी लाभ मिल सकता है। आपका अगर इकोनॉमिक्स में रुचि है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले अभ्यर्थी हैं थोड़ा बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स काफ़ी लेंदी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में होंगी, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है समय, तो धैर्य बनाए रखेंगे। और जो गूगल क्लासरूम के माध्यम से जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहाँ पे असाइनमेंट बॉक्स में जाइएगा तो आपको आपका वीडियो क्लास का नोट भी मिलता चला जाएगा, खासकर उनको जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी रहेंगे। बाकी थोड़े मोटे जो वीडियो हैं वो आपको यूट्यूब पर आते ही रहेंगे। तो आज हम जान रहे हैं राष्ट्रीय आय का लेखीकरण के बारे में जो टॉपिक है, तो उसमें जो सबसे पहले अगर हम तोड़ते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, पहले तो उस चीज़ को जान लेना होगा कि जिसके अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है या फिर उसको मापने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ना है, तो पहले आप उसके डिफिनेशन के बारे में जान लीजिए वो एक्चुअली क्या है टॉपिक। तो देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है किसी देश का जो उपलब्धि होता है, आर्थिक उपलब्धि, ठीक है, किसी देश की जो आर्थिक उपलब्धि है उसी को राष्ट्रीय आय के रूप में हम समझते हैं। कहने का मतलब कोई देश का सरकार अपने जो नीतियों और कार्यक्रमों को किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से चला रहा है और एक आउटपुट जो निकल के आ रहा है उसी का मेजरमेंट होता है राष्ट्रीय आय के माध्यम से। बेसिकली ये जो राष्ट्रीय आय है ये देश का अर्थव्यवस्था का यानी कि कंप्लीट जो अर्थव्यवस्था होती है किसी देश की उसके मौद्रिक प्रवाह को दर्शाता है। प्रवाह मीन्स प्रवाह मतलब फ्लो हो गया, कहने का मतलब मुद्रा की जो मात्रा जो अर्थव्यवस्था में फ्लो करती रहती है उसी को हम लोग कुल एक निर्धारित अवधि में अगर उसका एक कंप्लीट जोड़ देखा जाए तो उसको राष्ट्रीय आय के रूप में हम लोग मापते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन जो होता है वो आपको इकोनॉमिकल प्रिंसिपल या फिर आर्थिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम जब तक किसी राष्ट्र के में जितने भी उत्पादन की प्रक्रिया है एवं उत्पादन से संबंधित जितने भी एक्टिविटी है या फिर जो कॉपरेशन है जो भी इकोनॉमिकल आउटपुट इनपुट और आउटपुट का उसका अगर हम कॉम्बिनेशन और या फिर सहयोग नहीं अगर जानते हैं तब हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पूरा अनुमान लगाना हमें सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्योंकि देखिए जो जो देश में उपलब्ध संसाधन है
उनका जब हम लोग अंतिम रूप से वस्तुओं जो भी देश में उपलब्ध संसाधन होंगे उनसे जो हम लोग अंतिम रूप से वस्तुओं का जो आउटपुट प्राप्त करते हैं और या फिर सेवाओं का जो आउटपुट प्राप्त करते हैं उसी का जो अंतिम मूल्य है या फिर भौतिक मूल्य है उसी को राष्ट्रीय आय के रूप में मापते हैं। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों को हम लोग को परखना होगा कि भाई किस चीज़ के बारे में हम लोग राष्ट्रीय आय में किन किन चीज़ों कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं और किन चीज़ों को घटा रहे हैं। तो ये हम लोग अभी बारी बार से देखते चले जाएंगे। एक बात मैं जरूर समझाना चाहूंगी कि राष्ट्रीय आय जो होता है किसी भी देश में जो सरकार होती है ना, या फिर कह सकते हैं किसी देश के बारे में ही अगर आप जान लीजिए तो उसके जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उस रिसोर्सेस का अगर हम सही तरीके से अगर संचालित कर पाने में सरकार सक्षम हो पा रही है नहीं, या फिर संसाधन पर्याप्त है ही नहीं है कि नहीं, ये सभी राष्ट्रीय आय के माध्यम से आपको जानकारी होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय को देखिए जो इसको राष्ट्रीय व्यय या राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय लाभांश के रूप में भी जाना जा सकता है। और इसका अगर हम सही रूप से गणना करना चाहें तो जो उपलब्ध है जितने भी संसाधन है जो अंतिम आउटपुट प्राप्त होगा हम लोगों को संसाधनों के जो आर्थिक प्रक्रिया के इकोनॉमिकल प्रोसेसिंग के माध्यम से जो हम लोग को अंतिम जो उत्पादन प्राप्त होगा या अंतिम सेवाएं जो प्राप्त होंगी तो उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ह्रास के रूप में होती हैं। मतलब जो सही आउटपुट हम लोग को निकल के आता है उस दौरान में कुछ टूट फूट जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप किसी फैक्ट्री में आपका कोई फैक्ट्री है ठीक है, तो उसमें जो उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है तो वस्तुओं का जब आप फाइनल आउटपुट निकलता है मतलब जो फिनिश गुड्स तैयार होकर आपको मिलता है इस दौरान जो मशीनें वर्क कर रही होती हैं तो उनमें एक तरह से क्या होता है उनका जो वैल्यू होता है वो डेप्रिशिएट होता है। कहने का मतलब जाहिर सी बात है अगर आप किसी मशीन को या फिर किसी आप एग्जाम्पल के तौर पर एक गाड़ी खरीद लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, आप गाड़ी खरीद ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब आपने 1 जनवरी 2021 को गाड़ी लिया होगा ठीक है, दैट में भी ये कार और दैट में भी ये साइकिल, तो वो आप 31 दिसंबर को क्या उसका सेम वैल्यू रह जाता है? बिल्कुल भी नहीं। कारण आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि वो जो साइकिल है या जो आप गाड़ी ले रहे हैं या मोटर व्हीकल ले रहे कुछ भी ले रहे हैं तो वो 1 साल के अंतर में थोड़ा सा उसका वैल्यू है वो डाउन होता है। और वैल्यू डाउन होने का पर्पस क्या होता है कि उसमें डिप्रिशिएशन होता है। डिप्रिशिएशन पहिया का घिसावट हो गया ठीक है, उसका जो मशीन है कल पुर्जे है उसमें घिसावट हो गया, रंग में कमी आ गई, जंग लग गया है पार्ट पुर्जे में है। तो कहने मतलब ये जो घिसावट है ये डिप्रिशिएशन है। बेसिकली अगर हम राष्ट्रीय आय को अगर पूरा हमको कंप्लीट इनकम निकालना है कंप्लीट आउटपुट का जो हम लोग को मेजरमेंट करना है तो जो कमी हो रही है उसको हमको घटाना हो तभी राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि जो कंप्लीट फिनिश्ड गुड और जो और सर्विसेज होती है उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन को वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तब जाके राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट होता है। अभी आगे हम लोग इसको फॉर्मूला के माध्यम से जानेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रों ने अलग अलग परिभाषाएं दे के रखी हैं जैसे मार्शल हो गए, पीटू हो गए, फ्रेशर हो गए, तो हम कुछ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके एग्जामिनेशन में देखिए जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको ये पूछा जाता है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, या फिर राष्ट्रीय आय के मापने की जो विधियां हैं वो क्या है, जो मैं प्रोबेबल प्रश्न बता रही हूँ जिनके आने की संभावना और जो पूर्ववत जो पूछे जा चुके हैं ठीक है। इवन आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपको बीए इकोनॉमिक्स में भी एमए इकोनॉमिक्स में भी मैं देखती आई हूँ। हाँ यूपीएससी में थोड़ा सा घुमा कर पूछता है। तो खैर अभी हम आप चूंकि बीपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा बीपीएससी पर देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछेगा आपको, संभावित प्रश्न क्या होगा। तो प्रश्न जो बन रहा है कि जीडीपी जीएनपी क्या है, जीडीपी जीएनपी में क्या डिफरेंस है, और जीडीपी राष्ट्रीय आय निकालने की क्या क्या विधियां हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के समय क्या परेशानियां होती, क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या समस्याएं हो सकती, ये आपको एक पूछा जा सकता है। तो कुछ संभावित जो प्रश्न है वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अभी मैं प्रश्नों को बता दी उसी आधार पर हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि आपको प्रश्न में नहीं आएगा बट आपको जानना जरूरी है होता है तो उनको मैंने इनपुट कर दिया है। अभी आप देखेंगे जैसे कि राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ परिभाषाएं जो एटलीस्ट आपको मान लीजिए अगर जीडीपी और जीएनपी या फिर आपको नेशनल इनकम संबंधी जो भी प्रश्न आते हैं तो जरूर आपको आंसर थोड़ा स्कोर करना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो आपको आंसर को जो नंबर है आपका स्कोर करने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगा तो वो होगा कि कुछ जो अर्थशास्त्री आप डेफिनेशन उसमें डाल दीजिएगा
फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ पर मार्शल का परिभाषा देख रहे हैं, तो मार्शल ने क्या कहा है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यशील होकर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब लेबर और कैपिटल, मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में, उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें आपको भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है, साहस है। तो ये जो आपको लेबर और कैपिटल, ये जाहिर सी बात है जब हम लोग इनपुट के तौर पर डालते हैं, साथ में रॉ मटेरियल वगैरह भी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये जो दो जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर के जब एक जगह इकट्ठे होती हैं और इकट्ठे होने के बाद ये निश्चित तौर पर जब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, दैट में भी फिजिकल और दैट में भी वो आपको फिजिकल नहीं हो सकती हैं, अभौतिक हो सकती हैं, ठीक है, मतलब आपको सर्विस हो सकती है या फिर एक वस्तु हो सकती है, ठीक है, जो आपको दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको बैंक, मैंने आपको बताया था कि जो आपको टर्शरी सेक्टर के बारे में, जो टर्शरी सेक्टर से जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो आपको वस्तु ना होकर, मतलब एक समान भौतिक रूप से वस्तु ना होकर के सेवाएं होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवा हो गई, आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गई, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी हो गई। तो उसी तरीके से हम अभी आपको जोड़ रहे हैं कि जो आपका जो ये जो देश का जो राष्ट्रीय आय है उसमें आपको भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तुओं को जोड़ा जाता है। कहने के बाद उसमें वस्तुओं और सेवाओं को, अभौतिक वस्तु मतलब सेवा हो गया, ठीक है, तो सेवाओं को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इनका उत्पादन होता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये जो अगर इसको कंप्लीट रूप से इसका सम कर दें हम लोग, मतलब भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का जो टोटल जो हम सम निकालते हैं, यही होता है आपका राष्ट्रीय आय। ये मार्शल की परिभाषा है। हाँ, मार्शल की परिभाषा में आगे क्या बोल रहे हैं ये कि मार्शल ने उपयुक्त परिभाषा में वास्तविक शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि कुल उत्पादन में कच्चे माल और घसावट एवं कर, बीमा व्यय इत्यादि को निकालकर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मार्शल की परिभाषा आपको एक चीज के लिए बॉन्डेड है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल हो जाएगा मार्शल के अकॉर्डिंग में, कि भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का मूल्य में हम लोग क्या घटाने वाले हैं, जो कच्चे माल का मूल्य है यानी कि जो खर्चे हैं, ठीक है, ये जो खर्चे हैं घटाएंगे तभी जाकर के बाहर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई वस्तु अपने आप उत्पादित हो जाती है, उसके पीछे आपको उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है, लेबर लग रहा है, पूंजी लग रहा है, साथ साथ मशीनों का ह्रास हो रहा है, ठीक है, और अन्य खर्चे लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के और भी जो खर्चे इम्प्लॉय होते हैं उसमें लगते हैं, जिसके बाद जो कंपल्सरी होते हैं, ठीक है, अगर उनको हम नहीं करते हैं तो वो उत्पादन की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है या फिर होती ही नहीं है, तो वो उनको घटाना जरूरी होता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, यानी कि आप जाहिर सी बात है कि आप कोई काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप अगर प्रॉफिट निकालते हैं या इनकम, अभी प्रॉफिट छोड़ दीजिए, इनकम के बारे में बात करें, आय के बारे में बात करें, तो आपका इनकम कैसे निकलता है, आपने उसमें जो अपना पैसा लगाया है, जो रॉ मटेरियल लगाया है, ठीक है, उसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद जो आप जो वस्तु अगर इनकम के बारे में बात करें तो और जो खर्चे हैं सारे को आप उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आय के बारे में बात करने आई कि आय के कितना आय प्राप्त हुआ यानी कि कितना इनकम मिला, तो आपने जितना चीज़ों को भी एम्प्लॉय किया है सबका आप मूल्य निकालते हैं तभी जा करके आपको आपका, और उसमें जितने खर्चे हैं उसको घटा देते हैं तब जा करके आपको आपका इनकम मिलता है। मतलब कि आपने पूंजी लगाई है 100 रुपया और खर्चे हो गए 80 रुपये, ठीक है, 100 रुपये का आपको, तो जो 100 रुपये में से 80 रुपये आप घटाते हो तब 20 रुपये जो आपको बचा वही आपका आय कहलाता है। ठीक है, ना कि आपको 100 रुपये सामान आप बेच दिए हैं, जो आपका सामान मिल, आपको जो फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त हो गया उसको मार्केट में बेच के आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो 100 रुपये आपका आय नहीं होता है, बल्कि आपने जो उस पर वो जो प्रोडक्शन में आपको जो खर्चे हुए हैं 80 रुपये करीब खर्चा आया था, तो वो 100 में से 80 आप घटाते हो तब जाके 20 रुपये जो बचता है वही आपको आय कहलाता है, ना कि आपको 100 रुपये आय कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम जो हुआ वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इनकम मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई वस्तु को बेच दिया है और उसके सेल से आपको डायरेक्ट जो पैसा प्राप्त हो गया वो इनकम कहलाता है। आपने उस वस्तु को अगर बनाया है तो उस बनाने में जो खर्चे हुए उसको घटाना पड़ेगा, या फिर अगर आपने उस वस्तु को कहीं से खरीदा था और आपने उसको रीसेल किया है, तो आपने जब खरीदा था तो जो उसका दाम था, मान लीजिए आपने उसको 80 रुपये में खरीदा था और आप बेच रहे 100 रुपये में, तो 20 का जो 20 रुपये मार्जिन था वही है आपका, ना कि 100 रुपये होता। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपने 80 रुपये में खरीदा, साथ साथ क्या हुआ कि आपको जो सेलिंग पॉइंट है
या फिर जहाँ पे आपको बेचना जाना है, तो वहां लाने में आपको और भी कुछ अन्य खर्चे हुए होंगे, ठीक है। तो उनको भी अगर आप उसको भी आप क्या करेंगे जब इनकम निकालते हुए तो घटाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आय जो है आपको डायरेक्ट नहीं निकलता कि सेल कर दी किसी वस्तु को या फिर कोई फिनिश गुड प्राप्त हो गया, उसका जो मूल्य है वही आपको आय कहलाएगा, ठीक है। उसके फिर जितने खर्चे होते हैं एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको प्राप्त करने में जितने खर्चे हुए हैं सारे को घटाना पड़ता तभी आय प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए मार्शल की परिभाषा की विशेषता जो है उसमें आपको क्या क्या चीज़ों पर वो कंसिडरेशन किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं आपको भी ध्यान एक्चुअली में रखना चाहिए, इसलिए ये आपको नोट्स जो है आपको डाल दिया गया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको बाद में भी नेशनल इनकम को ज्ञात करने में हेल्प करेगा। इवन आपको जो फॉर्मूले का समझ तभी होगा जब आप उसका कॉन्सेप्ट समझते हो। तो हम आप देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय आय वो आप जब गणना किया जाता है किसी देश के बारे में बात करें या किसी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, है ना, भौगोलिक क्षेत्र में हो सकता है वो राज्य भी हो सकता है, बट क्योंकि हम लोग अभी किसी देश के बारे में हम लोग राष्ट्रीय आय का हम लोग गणना करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय अगर हम बात करें किसी देश का हम लोग गणना करना है तो पर्टिकुलर एक पीरियड को एक समय अवधि को लेकर चला जाता है, और ये जो समय अवधि है एक वर्ष होता है, और खासकर ये जो वर्ष होता है बेसिकली फाइनेंशियल ईयर लेके चला जाता है। जैसे कि आप लोग जब GDP निकालते हो, है ना, तो GDP के बारे में आप जब भी पढ़े होंगे कि ये GDP फलाने वर्ष का है तो कौन सा वर्ष का है, तो 21-22 का है, 21-22 का प्रोबेबल GDP है, 20-21 का GDP है, तो 20-21 का मतलब क्या हो गया या 21-22 मतलब क्या हो गया, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर का इनपुट आता है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझ लीजिए, वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। 1 अप्रैल जो करंट ईयर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कमिंग जो 31 मार्च होगा नेक्स्ट ईयर का, उसके उस दिन जो खत्म होगा वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय आय जो गणना किया जाता है ये एक वित्तीय वर्ष का गणना किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि विदेशों से जो अर्जित आय होती है उसको भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये पूरा देश का राष्ट्रीय है ना, तो अगर देश को बाहर से प्राप्त भी कुछ इनकम हो रहा है मेरे देश को, आप जिस प्रकार के आप इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसा ले सकते हैं कि आपके परिवार का आय क्या है, ठीक है। 4 लोग मान लो आपके घर में आपके आस पड़ोस काम कर रहे हैं, या फिर घर का कारोबार से काम चल रहा है, ठीक है, घर में कुछ आपका कारोबार है, ठीक है, घरेलू बिजनेस है, लेकिन एक बंदा क्या है बाहर जाकर काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसके इनकम को अपने घरेलू इनकम में नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। उसी तरीके से राष्ट्रीय आय अगर हम बात करें गणना करने के समय में ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय आय जो है आपको बाहर से भी इनकम होकर आ रहा है हमारे देश को मिल रहा है तो वो भी आपको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुल उत्पादन के आधार पर ना करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर ये गणना किया है। फिर मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये वही चीज है, कुल उत्पादन मतलब जो 100 रुपये हो गया, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा क्या हो जाएगा, को जो उसमें जो खर्चे उच्चे हैं जो उसको सारा घटा देंगे तब जाकर जो आपको नेट इनकम प्राप्त होता है वही आपको उसी को कंसिडर किया जाता है राष्ट्रीय में, ना कि हम पूरा का पूरा 100 रुपये गणना कर लेंगे, सारे खर्चों को भी घटाएंगे, 80 रुपये का जो खर्चा हुआ था उसको घटा देंगे तब जाकर जो 20 रुपये बचे वही शुद्ध आपको राष्ट्रीय उत्पादन होगा, ना कि 100 रुपया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है कि मार्शल क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो उत्पादन का आधार जो राष्ट्रीय है उसमें हम लोग उत्पादन को आधार बनाएंगे, यानी कि जो वस्तुएं हमारे देश में उत्पादित हो रही हैं या फिर जो सेवाएं उत्पादित हो रही वो आपको राष्ट्रीय आय के लिए गणना की जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब हो गया जो फाइनल रूप से कंज्यूमर के लिए जो कंजम्पशन पर्पज से बनकर तैयार हो चुकी है ना, दैट में बी ए सर्विस दैट में बी ए गुड्स, तो उसको उसी को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, ना कि एक रॉ मटेरियल को हम लोग उत्पादन में जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय आय के लिए हम लोग गणना कर देते हैं। इसको एक थोड़ा सा और एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूंगी, आप आराम से समझ जाएंगे इस चीज को। मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपका आप अपने घर के लिए आपको घर में रोटी बनानी है, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर को रोटी बनानी है, घर के खाने के लिए, तो आप मार्केट से आटा लाए, ठीक है, घर में रोटी बन गया और आप उसको खा लिए, तो इन कंजम्पशन हो गया, ठीक है, वस्तु का उत्पादन हो गया उसको इंड, क्योंकि वो आपको लास्ट रूप से उपभोग हो चुकी है, आपको जो आटा जो हुआ था वो जहाँ से बेचा गया था वहाँ से आपको एंड कंज्यूमर तक पहुँच गया, तो वो जो आपको जो आटा आप जो सेलर ने आपको बेचा वहाँ पे वो लास्ट आपको समझिए डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, तो उसका जो मूल्य है वो आपको राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपका बेकरी शॉप है, ठीक है,
आप क्या किए हैं, मैदा लेके आए हैं, ठीक है, बेकरी शॉप है, आप मैदा लेके आए हैं, और क्या किए हैं, उस मैदे को अपने अपने अभी कंज्यूम नहीं किया है, अभी उस मैदे से आपको क्या करना है, केक बनाना है, ठीक है। तो आप जाके बेकरी शॉप से लाए हैं, तो वहां पर अभी उसका लास्ट उत्पादन, अल्टीमेट डेस्टिनेशन वहां तक नहीं पहुंचा है, तो उसका मूल्य अभी चूंकि आपने वो एक रॉ मटेरियल खरीद के लाया है, ठीक है, वहां पर उसको उत्पादन में नहीं जोड़ा जाएगा। जब आप उसका जो अल्टीमेट जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा, तब तक उसको राष्ट्रीय उत्पादन में नहीं जोड़ा था। आप उस मैदा से केक बना लेते हो, और जो जिसका भी जिसने आपको ऑर्डर किया था उसको सेल कर देते हो, तब जाकर उसको जो उससे जो आपको अर्निंग हो जाती है, तब जाकर वो आपको अंतिम रूप से उत्पादन माना जाता है, या फिर अंतिम रूप से समझो इनकम माना जाता है, ठीक है, तो उत्पादन ही इनकम माना जाएगा। तो आप समझ लेंगे, एक आटा या मैदा अपने घर में खाने के लिए लाया था, रोटी बनाए, पूड़ी बनाए, खा ली, ठीक है, इन कंजम्पशन हो गया, ठीक है, उसके जो सेलर ने आपको बेच दिया वहां पर, क्योंकि आप घर में खाने के लिए लाए थे, घर में खाने के लिए लाए थे, तो वहीं पे आपको वो इनकम हो चुका है सेलर को, और वो आपको राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया है, ठीक है। लेकिन आपका बेकरी है, आपने मैदा लाया है, लेकिन अभी वो आपका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो, क्योंकि आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, ठीक है। आप बनाओगे क्या केक, और उसके बाद केक बना करके उसको आप बेच दोगे, तो जब जैसे आप बेच देते हो, तब जा करके वो जो इनकम है, आपको जो पैसा मिलेगा, वो आपका राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, ना कि आपने वहां से खरीद के लाया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उद्देश्य वो फुलफिल जरूर होना चाहिए, ठीक है, मतलब उत्पादन का आधार है वो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपको राष्ट्रीय आय आपको वहाँ पे मतलब गणना में आ पाएगा या फ्लो में आ पाएगा। यहाँ पर फ्लो वाला वर्ड आप समझते रहिएगा, आपका जो कोई एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तभी आपको इकोनॉमिकल फ्लो में मानी जाएगी, या जीडीपी के फ्लो में मानी जाती है, राष्ट्रीय आय के फ्लो में मानी जाती है, जब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको आर्थिक रूप से परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको आटा और मैदा वाला एग्जाम्पल तो बताया है, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ कुछ आपको मार्शल की परिभाषा संबंधी आलोचनाएं की गई हैं, आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं था पढ़ना, बट मैं आपको नोट्स में डाल दी कि जो मार्शल की परिभाषा है वो थोड़ा सा जो उसमें ऑब्जेक्शनल है, क्या किन चीजों के कारणों से, कि पहला कि इसमें गणना करने में कठिनाई होती है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला बोला जा रहा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग कर लिया जाता है, और इस प्रकार अनेक वस्तुएं सेवाएं विनिमय में नहीं आती है ना। तो कहने का मतलब उत्पादक क्या कर लेता है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, और उसको हम लोग राष्ट्रीय में गिन नहीं पा रहे, ठीक है। ऑब्वियसली है, अभी मैं आपको एक तौर एक एग्जाम्पल बताई थी कि जैसे वो वाला मैदा वाला, कि उसने क्या किया था कि केक बनाने के लिए लाया, बट क्या किया है, कुछ उसने केक बनाया था, तो वो कुछ बैटर जो उसका मटेरियल है, आपको जितना का उसको ऑर्डर हुआ था उससे एक्स्ट्रा का मटेरियल उसने ले आया था, तो कुछ आपको कुछ मटेरियल से अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए केक बना लिया, तो वो जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए केक बना लिया और वो खा लिया है, तो वो तो नहीं फ्लो में शामिल हो पाया, क्योंकि मैं क्या बोली हूँ आपको कि जो केक बनकर उसने बनाकर उसने बेच दिया, उससे जो पैसा है वही राष्ट्रीय है, तो जो उसने खा लिया उसका क्या होगा, तो वो आपका फ्लो में नहीं आ पाया, ठीक है, तो वो आपको राष्ट्रीय में शामिल नहीं हो पाता है, या फिर आपको वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय में भी शामिल नहीं हो पाता है। इस वजह से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा राष्ट्रीय गणना करने में थोड़ी सी कठिनाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण उत्पादन को गणना अत्यंत कठिन कार्य है, जाहिर सी बात है, हमारे देश में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, और एक वस्तु की भी कई सारे बहुत सारी किस्में होती हैं, और साथ ही साथ अनेक लोग उद्यमी भी होते हैं, तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय गणना करना मतलब काफी जटिल हो जाता है, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ कहाँ उत्पादन हो रहा है, कि कौन कौन कंज्यूम कर रहे हैं, कौन कौन उद्यमी है, क्लियर। अगर आपको, क्योंकि हमारे पास डेटा परिपूर्ण नहीं होता है कभी भी, आप सभी जान रहे हैं, अगर हम बात करें कि टैक्स कैलकुलेशन के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, तो ठीक है, कितना अर्निंग हो रहा है और उस कितना टैक्स लगना चाहिए, तो अगर पहले अर्निंग ही तो पता चल जाए ना, तब ना हम लोग टैक्स का गिनती करेंगे। तो बहुत सारे जो जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनका तो ठीक है, आपको पता रहता है कि पैन से जुड़ा रहता है, लेकिन जो बिजनेस करने वाले होते हैं तो उनका आप अर्निंग कैसे आप काउंट करेंगे, आप हर किसी का नहीं काउंट कर सकते। कोई बकायदा एक लाइसेंस लेके रेस्टोरेंट खोल के रखा है, तो उसका आप अर्निंग निकाल सकते हो, फिर भी उसमें कुछ लोग छिपा लेते, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि ठीक है,
उसका अर्निंग आपको पता है कि उसने दिन भर में 5,000 का सेल किया रेस्टोरेंट ने, तो महीने में 50,000 का सेल किया, सॉरी 10 दिन में 50,000 का सेल किया, तो महीने में 1.5 लाख का सेल किया, तो आपको उसका पता है। लेकिन वही कोई रेहड़ी वाला, ठेला, ऊंचा फुचका वाला, तो उसका अर्निंग तो नहीं पता आपको, तो उसका गन्ना आप कैसे करोगे? तो जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं छूट जाते हैं और नहीं पता चल पाता कि भाई इनकम कितना हो रहा देश को। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, दोहरी गन्ना की त्रुटि में एक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कितना बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ, उसको ज्यादा अच्छा यही होगा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ कि जैसे गन्ना का उत्पादन कर जैसे गन्ना का उत्पादन के समय आपको गणना कर लिया जाता है कि कितना गन्ना उत्पादन होता है। ठीक है, बाद में उसी से हम लोग चीनी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको उसे उसका उसके जब चीनी का हम लोग बन के तैयार हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय में शामिल कर ले रहे हैं। ठीक है, एक तो गन्ना का जो उत्पादन हो गया है, ठीक है, उसमें हम लोग शामिल कर चुके हैं, उसको हम जोड़ चुके हैं कि भाई इतने गन्ना का उत्पादन हुआ है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम के रूप में हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब उसको बाद में सेकेंडरी सेक्टर में जोड़ रहे हैं। देखिए, दो चीजें हो रही है, एक तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई, दूसरी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो रही है ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गया, गन्ना का उत्पादन हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में चीनी का उत्पादन हो गया। अब जाहिर सी बात है, आप जोड़ते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई दोनों जगह जुड़ रहा है आपको उत्पादन। ठीक है, इस ये चीज अगर होता है तो जो राष्ट्रीय निकल कर आएगा वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। और थोड़ा सा ये सब चीजें होती रहती हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप इसमें जान ली है तो ये प्रिंसिपल ही कहीं ना कहीं और थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होने की पूर्ण संभावना रहती है। तो ये एक दोष है। अब इस प्रकार आप लोगों ने मार्शल की परिभाषा को जाना, अब पीओ की परिभाषा को जान लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय है जो जो इसको पीओ किस रूप में परिभाषित करना चाह रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि समाज की जो वस्तुगत आय है, आय का वह भाग है जिसको हम लोग मुद्रा के रूप में रुपये पैसे में माप लेते हैं, है ना, और उसमें विदेशों से भी जो प्राप्त आय होती है शामिल होती है, उसको हम लोग राष्ट्रीय आय मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने के लिए राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तु और सेवाएं को जोड़ा जाता है जिसका बाजार में विनिमय हो जाता है, मतलब एक्सचेंज होने के बाद, मतलब मार्केट में सेल होने के बाद में जो आपको कैश रूप में इनकम हो जाता है। ठीक है, और चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, ठीक है, तो उसी का जो मुद्रा मौद्रिक मूल्य है उसी को हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय आय के रूप में जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ध्यान देंगे क्या ऐड करेंगे कि विदेशों से भी जो आय हो रही है उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मार्शल के तुलना में पीओ की आय को थोड़ा परिभाषित माना, ये व्यवहारिक माना जा रहा है। कारण ये देख लीजिएगा कोई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय की गणना करते समय में जो मुद्रा में जो मापे जाने वाली वस्तु और सेवा है उसको शामिल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा गन्ना का बचने से हम लोग संभावना कम हो रहा है, क्योंकि अभी मार्शल वाले में क्या कर रहे थे, हम लोग गन्ना का उत्पादन हो रहा है उसको जोड़ लिए। ठीक है, और फिर वापस चीनी का उत्पादन हो गया वहां भी जोड़ ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन हुआ, सेल हुआ या नहीं हुआ, ये चीज नहीं ध्यान दिया गया है। जबकि पीगू बोल रहे हैं कि अगर गन्ना को बेचने के बाद हमको पैसा मिल गया है, या फिर चीनी को बेचने के बाद अगर पैसा मिल गया है तब जा करके हम उसको जोड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी थोड़ा सा चांसेस है दोहरी गन्ने का, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि गन्ना हम बेचें किसको, जो चीनी के मिल वाला है उसको बेच दिए। ठीक है, गन्ना हम मार्केट में बेच रहे हैं तो ठीक है, वो इन कंजप्शन हो गया, एक वो हो गया, और जब हम गन्ना बेच रहे हैं कहाँ, चीनी मिल वालों को बेच रहे हैं, तब वो उसने चीनी उससे चीनी निकाल ले और उसके बाद वो मार्केट के फ्लो में आ गया, मतलब प्रोडक्शन हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, और वो मार्केट में बिक रहा है, तो वहाँ जो आपको जो जो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तब हम उसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे कि जब अल्टीमेटली हम लोग बेच दे रहे हैं, पीवू का परिभाषा है कि हम लोग जब उसको बेच दे रहे हैं तब जा करके हम लोग उसको उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो केवल यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ मौद्रिक मेजरमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है, जबकि मार्शल वाला में डायरेक्ट आपको उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है, मौद्रिक मूल्य को यहाँ पे जो अल्टीमेट जो इनकम है उस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो पीओ की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत जो ये है कि ये मुद्रा को मूल्यांकन का आधार जो बना रहे हैं ये पीओ, इसकी वजह से जो राष्ट्रीय की गणना है काफी आसान हो जा रहा है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं जो राष्ट्रीय का जो गणना होता है उसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का भौतिक मूल्य है ना, या अंतिम मूल्य, तो मूल्य क्या हो गया मुद्रा के रूप में, तो ये हो गया सही आपका मेजरमेंट। ठीक है, ना कि अभी हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन को हम जोड़ रहे हैं, तो मूल्य को जोड़ रहे हैं, इसकी वजह से आपको परिभाषा सरल हो जाता है,
आपको पता चल गया है कि हम लोग उसका जो मूल्य है पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में उसको जोड़ना है हमको, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और क्या कर दिया गया है कि इसमें इनकी विशेषता एक है इसको, जो कि आपको मास्टर में भी दिख रहा था कि राष्ट्रीय की गणना करते समय विदेशों से जो प्राप्त आय हो रही है उसको भी हम लोग जोड़ ले रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, मुद्रा को मापदंड बनाकर पीकू ने राष्ट्रीय की गणना को सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हो जा रहा है कि दोहरी गणना से हम लोग बच रहे हैं। चीनी और गन्ना वाला एग्जाम्पल यहाँ पे सही हो जा रहा है कि हम लोग दोहरे गन्ना से बचेंगे, ठीक है। यहाँ केक वाला भी एग्जाम्पल आपको सटीक बैठ जाएगा। फिर एक और चीज़ है इस इनकी परिभाषा में कि ये जो परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा है थोड़ा सा स्पष्ट हो जा रहा है मौद्रिक मापन की वजह से, ठीक है। आलोचना के बारे में हम लोग जान लेंगे कि इनकी भी परिभाषा कुछ आलोचना क्या है, तो ये थोड़ा संकीर्ण परिभाषा हो जा रहा है, ठीक है। कारण कि बहुत सा ऐसा वस्तु है जिसका हम लोग विनिमय नहीं करते, ठीक है, फिर भी वो राष्ट्रीय आय का अंश होता है। जैसे कि कृषि, कृषक अपनी उपज का वह भाग जो इसको निजी कंजम्पशन कर लेता है, अगर वो गन्ना उत्पादित किया और वो घर में कंज्यूम कर गया तो वहाँ पे निजी उपयोग किया। उस तरीके से केक वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, केक बना और उसने निजी कंजम्पशन कर लिया, एक्स्ट्रा कुछ केक बन गया था, तो वो आपको ऐड नहीं हो रहा, उसका एक्सचेंज, उसका सेल नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका मौद्रिक मूल्य तो नहीं मिला, तो आप उसको कैसे आय में जोड़ोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको परिभाषा संकीर्ण हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मौद्रिक मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा। फिर वस्तु और सेवाओं में भेद हो रहा है, क्या भेद है भाई, अनावश्यक भेद किया जा रहा है, जिन्हें मुद्रा में नापा जा अथवा नहीं नापा जा सकता है, मतलब एक तरह से ये एक प्रकार का कृत्रिम भेद हो जाता है, क्योंकि पीहू भी यहाँ पे स्वयं स्वीकार करते हैं कि क्रय की जाने वाली और ना की जाने वाली वस्तुओं में परस्पर कोई आधारभूत अंतर नहीं होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप अगर पीहू इस चीज़ के लिए थोड़ा खुद ही जो विरोधाभासी हो जा रहे हैं, तो उनका परिभाषा जो है अपने आप में क्या होता है, कंट्राडिक्टरी हो जा रहा है, और वस्तु और सेवा में ये भेद कर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं हो पाता है। कारण आप सभी जान रहे हैं कि इनके परिभाषा के अनुसार मुद्रा में जो मेजरमेंट हो रहा है उन्हीं वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, और जो नहीं हो रहा है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो कहने के अनुसार एक वेतनभोगी नर्स के रूप में जो कार्य करने वाली जो महिला है उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएंगी, किंतु घर में बच्चों का जो देखभाल करने वाली जो या फिर उनकी सेवा करने वाली जो महिलाएं हैं उनका जो इनकम है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए उनका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीजें हैं कि सिर्फ मनी जो डाल दिया गया है कि मुद्रा के रूप में जो आपको जो अल्टीमेट आपको मेजरमेंट होगा या सेल करने से आपको वस्तुओं या सेवाओं का जो सेल करने से आपको इनकम प्राप्त होगा, जो मुद्रा के रूप में दिखेगा वही आपको राष्ट्रीय होगा, और अगर कोई मुद्रा के रूप में नहीं प्राप्त होता तो उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हो जा रही हैं जो कि आपको इसका संकीर्णता को लेके चला जा रहा है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं कि वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय आपको अर्थव्यवस्था में लागू नहीं, कहने का मतलब कि ये जो इनकी जो परिभाषा है केवल ऐसे विकसित देशों में लागू होता है जहाँ पर संपूर्ण विनिमय मुद्रा में ही होता है, किंतु बहुत सारी पिछड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर अभी भी जो सौदे होते हैं जो आपको बार्टर सिस्टम से चलता है। तो अगर बार्टर सिस्टम चलता हो तो वहाँ पर आपको तो ये जो आप ये वाला परिभाषा मुद्रा वाला जो हो गया ये आपको बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया, तब तो उसका जो मूल्य है आपको यहाँ पर जो मौद्रिक मूल्य की गणना नहीं किया जा रहा, तो जाहिर सी बात उसको राष्ट्रीय में नहीं जोड़ेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको पता नहीं चल पाता कि राष्ट्रीय आपको हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर राष्ट्रीय में उन चीज़ों को गणना करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बार्टर सिस्टम लागू हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो क्या कर रही है, मान लीजिए वो बुक्स का वो मतलब एक्चुअली वो पेपर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो पेपर बनाने की जो फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री आपके पास में ही है, ठीक है, वो क्या करती है कि वो बुक सेलिंग का काम करती है, ठीक है, मान लीजिए फैक्ट्री नहीं मान के चलिए पब्लिशर्स है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको अचानक कभी पेपर का कमी हो गया, ठीक है, तो आप उस बुक सेलर को पेपर सप्लाई करते हो और आपको अचानक क्या हो गया कि पेपर का कमी हो गया है। अब आप क्या करोगे, पेपर है नहीं और वो जो बुक सेलर के पास कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स रखे हुए थे जो उसने आपसे ही लिए थे, कभी पैसा देकर के लिया होगा, तो
आप क्या करो कि भाई अभी हमको बुक्स का सप्लाई करना है, हो सकता है उसी पर्सन को बुक का सप्लाई करना हो, तो आप बोलोगे कि ठीक है मुझे इतने रिम का पेपर दे दीजिए और इसका जो पैसा रहेगा जब आपको पेपर बुक छाप करके देंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर विनिमय हो रहा है, ठीक है, लेकिन मौद्रिक विनिमय नहीं हो रहा, वस्तु से वस्तु का विनिमय हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपने ही उसको पेपर दिया था, लेकिन आपने पहले दिया था पैसा से, तो उसका मूल्य शामिल हो गया था, लेकिन अभी अचानक उसको पेपर, आपका जो आपको पेपर की कमी हो गई है और आप कुछ पेपर बुक छाप कर देना है उसी आदमी को, लेकिन क्या हो गया है कि आपके मार्केट में पेपर अवेलेबल नहीं है, हो सकता है लॉकडाउन हो गया या ट्रांसपोर्टेशन बंद है, हड़ताल हो गया है। तो अब क्या किए कि भाई उससे कॉन्टेक्ट किए कि मैंने आपको पहले पेपर दिया था बहुत सारा, 5 ट्रक 10 ट्रक दिया था या फिर इतने रिम्स दिए थे, तो आप मुझे कुछ पेपर दे दो और मैं एक काम करूँगा, आपको जब आपको बना कर दूंगा तो उसका जो प्राइस है मैं उसमें डिडक्ट कर लूँ, मैं आपको उसमें एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्लियर कट हो गया कि यह मौद्रिक विनिमय नहीं हो रहा और इसका जो मूल्य जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो पीयू की परिभाषा है उनके अनुसार ये आपको राष्ट्रीय आय में गणना नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज फेल हो जाती है ना। तो यहाँ पर कहीं मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली है आज भी किसी न किसी रूप में लागू है, चल रहा है, ये बड़े बड़े देशों में भी होता है। ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दी, बड़े बड़े देश में जो कल पुर्जा, जब जैसे कि आप सभी जानते हैं गाड़ियों का जो पार्ट्स होता है वो एक पूरे एक, अगर टाटा के बारे में बात करूँ तो क्या वो पूरी की पूरी गाड़ी बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है, है ना। तो कुछ पुर्जे उसको किसी ना किसी कंपनी से लेने होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसको वो पैसा ना देकर कभी उसको जरूरत पड़े तो सामने वाले कुछ कार ही डिलीवरी कर दे रहा है ना, कार बेच दे रहा है। तो उन जो कल पुर्जे उसने लिए थे उसके बदले उसने कुछ कार सप्लाई कर दी है मान लो, तो वो क्या हो गया वहाँ? तो मौद्रिक विनिमय नहीं, ठीक है, वस्तुओं का एक्सचेंज हो जा रहा है। तब क्या होगा? पीयू के अनुसार वो आपको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा संकीर्णता का मैटर है। उस तरीके से फिशर का परिभाषा है, आप इसको ही पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको इस इन चीज़ों के बारे में आपको एक्स्ट्रा मैं दे के रखी हूँ ताकि आपको कभी ज़्यादा जानकारी की इच्छा हो तो आप इनको पढ़ करके आप देख सकें। हालांकि मैं इसको फिशर वाला परिभाषा को भी दो लाइनों में कंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बोलना चाह रहे हैं कि राष्ट्र, जिसे मार्शल और पीयू क्या बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय का इन्होंने परिभाषा दिया है, फिशर ने इसमें उपभोग को किया, जैसे मार्शल क्या बोल रहे हैं उत्पादन पर आधार बना रहे हैं, पीयू क्या है मौद्रिक आय को आधार बना रहे हैं, लेकिन फिशर क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय आय को उपभोग का, उपभोग के बेसिस पर राष्ट्रीय आय का जो गणना करेंगे। मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वस्तु में वर्ष वर्ष में उत्पादित जो शुद्ध उपज का वह भाग होता है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से कंजम्पशन कर लिया गया है, उपभोग कर लिया गया है, यानी कि जो एंड यूजर है, एंड कंज्यूमर है, उस तक अगर वो वस्तु पहुंच जाती है तभी उसका मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब मार्शल, पीयू और फिशर तीनों अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, आप थोड़ा संक्षिप्त में समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नोट्स नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए हम लोग को कुछ चीज़ों को जानकर चलना है कि भाई राष्ट्रीय आय है उसका चक्राकार प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि मैं बीच में आपको फ्लो के बारे में बोल रही थी, तो इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें कि देखिए राष्ट्रीय जो इनकम है उसका जो सर्कुलर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ये इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यय होता है, कोई वस्तु किसी एक क्षेत्र का जो व्यय होता है हो सकता है दूसरे क्षेत्र के लिए वो आय हो सकता है ना, या एक क्षेत्र का जो आय हो सकता है दूसरे क्षेत्र का व्यय हो सकता है, तो इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। कहने मतलब देश का उत्पादन, आय और व्यय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक चक्र की भांति घूमता रहता है और इसकी वजह इसको ही हम लोग आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए एक देश का अर्थव्यवस्था में आप सभी जान रहे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, है ना, उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है और साथ में एक सरकार भी है जो कि इन चीज़ों को व्यवस्थित करती है, इंतजाम करती है। तो कहने में मतलब सभी क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप डिपेंड एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना। जैसे कि परिवार,
विभिन्न घटकों में, जैसे कि परिवार हो गया या मतलब उपभोक्ता हो गया, व्यवसाय मतलब उत्पादक हो गया, ये क्या करते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उत्पादक जो होता है वो परिवार पर इसलिए निर्भर होता है कि वो अपने वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो जो परिवार है वो आपको कंज्यूम करेगा और उसको इनकम का फ्लो देगा, और जो जो उपभोक्ता है यानी कि परिवार है तो उसको वो उत्पादक पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि उसको पता है कि जो मेरी आवश्यकता की चीजें हैं वो आपको उत्पादक यानी कि व्यवसाय है वो उत्पादन करेगा और हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करेगा। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंस है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इनकम है उसका फ्लो हो रहा है। ठीक है, उत्पादक क्या कर रहा है, वस्तुओं को बेच रहा है। ठीक है, उससे वो अर्न कर रहा है। तो वस्तु को जब बेच रहा है तो यहाँ पर जो उसको पैसा मिल रहा है वो क्या हो गया, उसके लिए आय हो गया। और वही जो परिवार हो गया, उपभोक्ता हो गया, जो वस्तु खरीद रहा है और जो वस्तु को पे कर रहा है उसके बदले, जो उसने है ना जो भी पैसा उसने वस्तु जो खरीदने के बदले पे किया, तो उसके लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंडिचर हो गया और सामने वाले के लिए इनकम हो गया। तो ये जो फ्लो होता है बेसिकली आय का है ना, इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो ये संक्षिप्त में समझा दी हूँ, इसको डिटेल्स में भी आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दे कर रखे रखी हूँ। आगे जरूरी क्या है, देखिए मैं आपको नोट्स में बहुत कुछ दी हूँ। ठीक है, इसका ये जब बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपका सब कुछ एग्जामिनेशन में पूछेगा, मैं लास्ट में क्वेश्चंस बता दूंगी उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नोट्स में चूँकि जरूरी होता है आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको कंटेंट देना है ना, कि सिर्फ आपको एक गेस्ट पेपर के थ्रू आपको मैं जैसे एक होता है गेस्ट क्वेश्चन होता है और प्रीवियस क्वेश्चन उसके माध्यम से अगर सिर्फ मैं पढ़ा दूँ तो अगर प्रश्न बाहर आ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाओगे या फिर कुछ आपका पेपर खराब हो। तो उन संभावनाओं से मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं हों। ठीक है, थोड़ा अधिक आपको डाला जा रहा है कंटेंट में ताकि आप पढ़िए, चीज़ों को समझिए, और अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न आया जो कि कॉन्सेप्चुअल है तो आप जाने हुए रहेंगे तो आप खुद से भी आंसर कर पाएंगे अगर मेरे प्रोबेबल क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आया तब। हालांकि संभावना बिल्कुल ही कम रहेगी कि जो प्रोबेबल क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उनसे बाहर प्रश्न आएंगे, और सारे नोट्स ऑलरेडी दिए हुए रहेंगे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय आर्य समाज कुछ जो अवधारणा है उनके बारे में आप जान लीजिएगा। दो प्रकार की जो गणना होता है ये दो आधार पर किया जाता है, एक भौगोलिक आधार पर दूसरा राजनीतिक आधार पे। भौगोलिक आधार पर समझ लीजिए, जब घरेलू आधार पर राष्ट्रीय की गणना करने हेतु तो एक देश का जो भौगोलिक सीमा है ना उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है तो इसको बोलते हैं भौगोलिक आधार पर अध्ययन। अब भौगोलिक क्या क्षेत्र होता है मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आप भारत का मैप देखते हो तो जो आप मैप देखते हो ना, जो बाउंड्रीज आप देख रहे हो वो एक्चुअली फिजिकल मैप होता है। उसके अलावा उसके किनारे किनारे कुछ समुद्र तटीय इलाके होते हैं जहाँ पर भारत के द्वारा ही व्यापार किया जाता है, भारत की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, भारत के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कच्चे तेल का उत्पादन होता है जो गुजरात के तटवर्ती इलाकों में, महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में होता है। ठीक है, केरला के तटवर्ती इलाकों में जो आपको मछलियों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी आपको तटवर्ती इलाकों में जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है वो आपको फिजिकल जो मैप है उसके बाहर के इलाके हो गए जहाँ से भारत के लिए वस्तुएं उत्पादन हो रही हैं, वो उत्पादित हो रही है। इवन जो भारत के जो समुद्री जहाज हैं जो इसके समुद्री सीमा में चल रही होती हैं और जो माल ढोने का काम करती हैं तो वो क्या फैसिलिटी दे रही हैं, वो फैसिलिटी दे रही हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो जब वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या हो रहा है, वो सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, और मछलियों का जो उत्पादन हो रहा है, तेल का उत्पादन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो कि भौगोलिक सीमा में होता है, ठीक है, उसके आधार पर एक गणना की जाती है। और भौगोलिक सीमा में आपको फिजिकल और जो आपको फिजिकल के अलावा जो आपको मकसद नक्शा दिख रहा है उसके अलावा जो अन्य इलाके हो गए जो कि बेसिकली समुद्र तटीय इलाके होते हैं
या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री आपको निर्धारित कर दी जाती है किसी देश का, वो इलाका हो जाता है भौगोलिक सीमा के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक आधार पर देखेंगे इसमें क्या है कि जो राजनीतिक आधार पर जो देश का इसमें जो नागरिकता होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि भौगोलिक सीमा पर ध्यान दिया जाता है। मतलब एक देश का नागरिकता जिनके पास होता है उन लोगों के द्वारा जो भौगोलिक सीमा में एवं दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में जो आय अर्जित होती है उसके आधार पर भी आपको राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और इस प्रकार जो एक देश का जो निवासी द्वारा जो भौगोलिक सीमा में दूसरे देश का जो इनकम प्राप्त किया जाता है उसको भी आपको इसमें राजनीतिक आधार पर आपको राष्ट्रीय आय में गणना करते हुए ध्यान रखा जाता है। तो दो चीजें हो गई, भौगोलिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय आय गणना करते समय कुछ अवधारणाएं हैं जिनको आपको समझना चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको करीब करीब मैं अगर इन पर डिटेल्स में अगर वीडियो बनाती हूँ तो अभी आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अलग से निकलेगा, फिर आपको बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी इसको नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ तो करीब करीब एक घंटे और लगेंगे मुझे, है ना, या फिर हो सकता है अधिक से अधिक एक घंटे से अधिक समय लगेगा। तो फिलहाल मैं आज इसको यहाँ पे इसको विराम देने की कोशिश कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको नोट्स दिखा दे रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस पर नोट्स बन चुका है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी को जरूर देखना चाहिए, और उसे क्या तो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी, हो सकता है कल ही प्रोवाइड कर दूँ या फिर परसों प्रोवाइड कर दूँगी, जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग ध्यान दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को आप कब आएगा और आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब करके रखें तो बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चला कि भाई वीडियो आया नहीं आया है। और एक चीज़ और कि इसके बाद का जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर डाला जाएगा, बाकी जो बीपीसी ऑप्शनल के जो अभ्यर्थी हैं या ऑडिटर या फिर डब्ल्यू उनको रेगुलर अगर वीडियो चाहिए, रेगुलर क्लास चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, पेमेंट का, उन चीज़ों को अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपका जो क्लास है वो कंटिन्यू आपको मिलता रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपको कुछ लगता है कि वीडियो में कुछ कमी रह गई है, मुझे कुछ आप सजेशन करना चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।